दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ज्वाला गुट्टा विमेंस डबल और मिक्स डबल्स में भारत की सबसे सफल बैडमिंटन प्लेयर, बचपन से हम उनका नाम सुनते आ रहे हैं, अब वो फिर से खबरों में है, कोरोना से जुड़ी खबरों में। और ये खबर ये नहीं है कि ज्वाला को कुछ हो गया है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। दरअसल ज्वाला गुट्टा के प्रति इस देश का जो व्यवहार है सोशल मीडिया पर, वो इस देश की एक और बीमारी के बारे में बताता है कोरोना से अतिरिक्त। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है कि किसी भी खिलाड़ी की नस्ल, उसकी जाति, उसके माता पिता, उसके प्रांत या उसके रंग रूप के इर्द गिर्द बकवास करना, भद्दी बातें करना। जैसे ज्वाला गुट्टा की माँ चीन की रहने वाली है, ये तथ्य कितना महत्वपूर्ण है हम में से किसी के लिए भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये उनकी जाति जिंदगी है। ये तथ्य वैसा ही है जैसे हमें कभी पता चले कि लियोनेल मेसी इटालियन है या जलाटन इब्राहिमोविच बोस्नियन क्रोएशियन मूल के हैं। लेकिन ये तथ्य कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है और इन लोगों के बारे में खुलकर बात की ज्वाला गुट्टा ने। ये ज़रूरी बात है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ज्वाला गुट्टा ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख लिखा, उसमें क्या लिखा? चाइना का माल, हाफ चाइनीज, चिंकी। जब भी मैं किसी टॉपिक पर मेजॉरिटी की सोच के खिलाफ लिखती हूँ, मेरी ट्विटर टाइमलाइन ऐसे शब्दों से भर जाती है। और अब इसमें एक नई चीज़ जुड़ गई है कि मैं हाफ कोरोना हूँ, मैंने अपनी चमड़ी मोटी कर ली है। मुझे ये भी पता है कि ये वही लोग हैं जो यहाँ मुझे ट्रोल करते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत जीवन में मुझसे मिलेंगे तो सेल्फी के लिए कहेंगे। इसके बावजूद एक चाइनीज़ माँ के बच्चे के रूप में बड़ा होना आसान नहीं रहा। अब कोविड-19 के चलते ट्रोल्स को मेरे और नॉर्थ ईस्ट के तमाम लोगों पर फेंकने के लिए एक नया शब्द मिल गया। ज्वाला ने लोगों को याद दिलाया कि भारत में मलेरिया से जाने कितने लोग पीड़ित होते हैं, लाखों लोग हर साल टीबी से मरते हैं। अगर विदेश में इन बीमारियों को भारत से जोड़ा जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली क्या लिखती हैं वो? किसी को कोरोना या चाइनीज़ वायरस कहते हुए हम भारतीय भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ मलेरिया के बहुत सारे मामले होते हैं। हर साल टीबी के चलते 2 लाख से ज़्यादा भारतीय मर जाते हैं, ये संक्रामक है। और मलेरिया के इतने मामले हमारे देश के खराब हाइजीन स्टैंडर्ड के चलते भी हैं। अब सोचिए कि विदेश में घूमते किसी भारतीय को मलेरिया या टीबी कैरियर बुलाया जाए। ज्वाला गुट्टा अपने बचपन के बारे में भी आर्टिकल में जिक्र करती हैं कि कैसे उनकी माँ के लिए आसान नहीं था, कैसे उनके लिए मिश्रित विरासत का होना आसान नहीं था। क्या लिखती हैं वो? मेरी माँ ने इस बात की कभी शिकायत नहीं की कि उन्हें नए कल्चर में एडजस्ट करने में दिक्कतें हैं, लेकिन मिश्रित विरासत वाले बच्चे के रूप में बड़ा होना मेरे लिए आसान नहीं था। सम्मिलित परिवार में अलग राय रखते ही लोग मुझसे कहते थे कि मेरी गलती नहीं है, ये चीज़ें मेरी चाइनीज़ माँ ने मुझे सिखाई होंगी। ज्वाला ने चाइनीज़ फूड हैबिट्स पर उठते सवालों पर भी कमेंट किया। क्या लिखा? कि अभी चाइनीज़ फूड हैबिट्स पर बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन वो उतनी ही अजीब हैं जितनी थाईलैंड की सड़कों पर बिक रहे कीड़े मकोड़े, या फिर जापान में बिक रहा कुछ और, या फिर कह सकते हैं कि भारत में बिक रहा कुछ और खाने का सामान। मैं चाइना की वेट मार्केट कभी नहीं जाऊंगी, और जब हम चाइना गए थे तब मेरे माता पिता भी नहीं गए थे। वेट मार्केट क्या है? जहाँ पर बहुत सारे दुर्लभ जीव जंतुओं का मांस मिलता है। तो ज्वाला कह रही है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरे माता पिता भी नहीं गए, लेकिन मेरे पिता अलग अलग तरह के मीट का लुत्फ उठाने के लिए उत्साहित रहते हैं। क्यों ना, उनके कल्चर और खाने पीने की आदतों पर सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं? हमारी खाने पीने की आदतों और कल्चरों पर जब कोई सवाल उठाता है तो हमें बुरा लगता है। भारत में ऐसा होता है, विदेश में भी होता है। भारत में चीन को लेकर बहुत भ्रम है कि उनके पास आज़ादी नहीं है, वो खुश नहीं है, तानाशाही है। लेकिन ज्वाला कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अपने देश में बोलने की कितनी आज़ादी है। तमाम ट्रोल्स और आईटी सेल्स को देखिए और फिर इस सवाल का जवाब दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से ज्वाला की माँ का जिक्र आ रहा है, वो कौन है? उनकी माँ का नाम येलन है, येलन गुट्टा। गांधीवाद से जुड़ी रही है, उनका परिवार भी। 1923 में ज्वाला के परनाना, उनका नाम सेंग था, चीन के थे, भारत आए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित थे। टैगोर की चाइना यात्रा के बाद जब वो भारत आए तो सेंग भी आए और शांति निकेतन में पढ़ने लगे। बाद में वो विश्व भारती में महात्मा गांधी से मिले, फिर साबरमती आश्रम आए, 1925 तक वहाँ रहे। 1932 में एक बार फिर भारत आए, तब यहाँ आने के लिए उन्होंने सिंगापुर स्थित एक चाइनीज अखबार के चीफ एडिटर की नौकरी छोड़ी। उनके कामों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी शांति दूत की उपाधि देने लगे उन्हें। बापू ने ही उनका नाम भी बदल के सेंग से
शांति कर दिया। फिर वो क्या कहलाने लगे, शांति सेंग। दिसंबर 1979 में तीसरी दफ़ा वो भारत आए। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी और पोता पोती भी थे, 12 साल की वू होंग और 18 साल की येलन। ये चारों लोग वर्धा स्थित गांधी सेवाश्रम में रहे। उन्होंने बापू पर किताबें लिखी, बाद में वर्धा में ही शांति की मृत्यु हुई, शांति सेंग की। उनकी अंतिम इच्छा क्या थी कि उनका अंतिम संस्कार वर्धा में हो। उनकी कब्र आज भी कस्तूरबा मेडिकल हॉस्पिटल में बनी हुई है। येलन भारत आई, फिर वर्धा के कॉलेज में आगे की पढ़ाई की और यहीं पर उनकी मुलाकात ज्वाला के पिता क्रांति गुट्टा से हुई। दोनों में दोस्ती हुई, फिर शादी हुई। एक बात और जाननी चाहिए आपको येलन के बारे में, ज्वाला की माँ के बारे में। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का चाइनीज में अनुवाद भी किया है। इसके अलावा और क्या जान सकते हैं आप? यही कि ज्वाला गुट्टा जैसे बेखौफ खेलती थी वैसे ही बेखौफ बोलती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं लल्लनटॉप। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए द लल्लन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द लल्लनटॉप।